डाउनलोड लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु में सभी प्यारे भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देती हूँ। आज हम उड़ाव पुत्र की कहानी को शुरू करेंगे, जिसका वर्णन लूका की किताब 15 अध्याय का 11 से 32 वचन में आता है, जहां पर प्रभु यीशु ने स्वयं ही इसे दृष्टांत के रूप में सुनाया है। तो चलते हैं इस दृष्टांत पर कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आमीन। अगर कोई भाई बहन लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर पहली बार आया है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप भी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल से ही कहानी व वचनों को सच्चाई से दिखाता है, ताकि आप भी आत्मिक रीति से उन्नति पा सके और सच्चाई को पहचान सके। हम आपकी प्रार्थना और निवेदन के लिए भी प्रेय करते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना व निवेदन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु यीशु ने हमें मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में 30 से अधिक दृष्टांत दिए। दूसरों का सुझाव है कि यीशु द्वारा दृष्टांतों की कुल संख्या 50 से अधिक है। यीशु हमें जितने विशिष्ट दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, वह उनके द्वारा दिए गए संदेश से कम महत्वपूर्ण नहीं है। दृष्टांत एक छोटी और सरल कहानी है, जो धार्मिक या नैतिक शिक्षा देती है, जैसा कि अच्छे सामरी का दृष्टांत और उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। आज हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को समझ के, जिसको अंग्रेजी में प्रोडिगल कहा जाता है, जिसका अर्थ है व्यर्थ फिजूल खर्ची करना। इस कहानी में एक आदमी का बेटा अपनी विरासत को लापरवाही और फिजूल खर्ची से खर्च करता है। इस प्रसिद्ध दृष्टांत के संदर्भ में उड़ाव पुत्र का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से भी किया जाता है, जो पापी है, जो आध्यात्मिक रूप से खो गया है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो अभाव के बाद परिवार और विश्वास में लौट आया है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में वह अपनी स्वतंत्रता चाहता था और उसे कभी भी अपने पिता की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने पिता से अपने संपत्ति का हिस्सा और पैसा मांगा। उसने कहा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए जो मेरा है, और वह कहता है, मैं पिता का घर छोड़ रहा हूँ। दूसरी ओर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, जिसमें दो भाइयों में से एक खोए हुए बेटे के प्यारे पिता या क्षमाशील पिता के दृष्टांत के रूप में भी जाना जाता है, जो बाइबल में यीशु के दृष्टांतों में से एक है, जो लूका 15 अध्याय में 11 वचन में आता है, जहां पर यीशु ने फरीसियों और शास्त्रियों के एक समूह को 3 कहानियां सुनाई, जो प्रभु से शिकायत कर रहे थे कि वह पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। पहली कहानी में, जहां पर एक आदमी अपनी 100 भेड़ों में से एक खोई हुई भेड़ को खोजने के बाद एक पार्टी का आयोजन करता है। दूसरी कहानी में, जहां पर एक महिला खोए हुए सिक्के को पाकर एक पार्टी का आयोजन करती है। उसके 10 सिक्कों के बीच एक सिक्का खो जाता है। और उसके बाद उड़ाव पुत्र की कहानी में, जहां एक आदमी अपने 2 बेटों में से एक खोए हुए बेटे को पाकर एक पार्टी का आयोजन करता है। कहा जाता है कि पहली 2 कहानियां पापियों के पश्चाताप करने पर अच्छी पार्टी का प्रतीक हैं। कहानियों का यह प्रगतिशील सेट तीसरी कहानी के साथ समाप्त होता है, जो तीसरे क्रम में सबसे अच्छे से दर्शाता है। परंतु ये अधूरी तीसरी कहानी हमें नहीं पता कि क्या बड़ा बेटा कभी पार्टी में शामिल हुआ था या नहीं। उड़ाव पुत्र में दी गई कहानी में कई सिद्धांत पाए जाते हैं,
जिन्हें विश्वासी माता पिता उन बच्चों के साथ प्रतिक्रिया और व्यवहार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जो बच्चे अच्छे मार्ग के विपरीत चल रहे हैं, जिन पर उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण किया था। माता पिता को स्मरण रखना चाहिए कि एक बार जब उनके बच्चे किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वे और अधिक माता पिता के अधिकार के अधीनता में नहीं हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी में छोटा पुत्र अपने उत्तराधिकार को लेता है और दूर देश में चला जाता है और वहां पर सब कुछ गंवा देता है। ध्यान दे, इस दृष्टांत में पिता अपने पुत्र को घर छोड़ने से नहीं रोकता है, न ही वह अपने बच्चे के पीछे जाता है और न ही उसकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। इसकी अपेक्षा यह पिता विश्वास योग्यता से घर में ही रह जाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और जब वह बच्चा अपने आपे में आता है तो वह वापस मुड़कर चला हुआ घर आता है। तब पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उसकी राह देखते हैं, अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं, यहाँ तक कि वह अभी बहुत ही दूर होता है। जब हमारे पुत्र और पुत्रियाँ अपने अपने मार्गों पर चले जाते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हुए कि ऐसा करने के लिए अब उनकी आयु हो चुकी है और वे अपने निर्णयों को लेते हैं, जिसे हम भी जानते हैं कि ये कठोर परिणामों को लेकर आएंगे। ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को जाने दें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। माता पिता को उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। माता पिता को उनके परिणामों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो उनके ऊपर आएगा। इसकी अपेक्षा माता पिता को घर में ही रुक जाना चाहिए और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तब उनके पश्चाताप और सही बदलाव को देखते रहता चाहिए। जब तक बच्चे नहीं आ जाते, माता पिता को अपनी सलाह को अपने ही पास रखनी चाहिए। झगड़े व कलेश से दूर रहना चाहिए और न ही उनके बीच कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। 1 पत्रस 4:15 को पढ़े। एक बार जब बच्चे कानूनी रूप से किशोर हो जाते हैं, तो वे केवल परमेश्वर के अधिकार और उनके ऊपर सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकार के ही अधीन हैं। माता पिता होने के नाते हम अपने उड़ाव पुत्रों और पुत्रियों की सहायता केवल प्रेम और प्रार्थना के साथ कर सकते हैं, जब तक वे अपने आप को परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ते। परमेश्वर अक्सर स्वयं ही उनको चोट पहुंचा कर और दुख का उपयोग उनकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए करता है, और यह प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वह कैसे उस परिस्थिति का सही तरीके से प्रतिक्रिया करता है या नहीं। ऐसे समय पर माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, परंतु केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। जब तक वह समय नहीं आ जाता है, हमें केवल विश्वास की प्रार्थना करना और उस विषय को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। ये एक दर्द से भरी हुई प्रक्रिया हो सकती है, जैसे उड़ाव पुत्र के पिता के साथ होती है, परंतु जब यह बाइबल के आधार पर होती है, तो यह मन और हृदय दोनों को शांति देती है कि हमारा बच्चा एक ना एक दिन घर वापस आएगा। परमेश्वर उसको सही रास्ते पर लेकर आएंगे। हम अपने बच्चों का न्याय नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न्याय न करे। उत्पत्ति 18:25 पढ़े। आमीन, हालेलुया। आशा करती हूँ आप इन वचनों को सुनकर जरूर आशीषित होगे। आपको इन्हें बार बार सुनना फायदेमंद साबित होगा। दृष्टांत की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके 2 बेटे हैं, और उनमें से छोटा बेटा अपने पिता से संपत्ति में से अपना हिस्सा देने के लिए कहता है। तात्पर्य यह है कि छोटा पुत्र अपनी विरासत के लिए अपने पिता की मृत्यु तक का इंतजार नहीं कर सकता था, वह इसे तुरंत चाहता था। पिता सहमत हो जाता है और अपनी संपत्ति दोनों बेटों के बीच बांट देता है।
विरासत का अपना हिस्सा प्राप्त करने पर। कुछ दिन बाद छोटे बेटे ने अपना सब कुछ बटोरा और सफर करके किसी दूर देश चला गया। वहाँ उसने अय्याशी में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो उस पूरे देश में एक भारी अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। यह नौबत आ गई कि वह उस देश के एक आदमी के यहाँ काम करने गया, जिसने उसे सुअर चराने भेजा। वह उन फलियों को खाने के लिए भी तरसने लगा जिन्हें सुअर खाते थे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब उसकी अकल ठिकाने आई तो उसने कहा, मेरे पिता के यहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले कितने ही मजदूर हैं, जिनके पास रोटी की कोई कमी नहीं, और एक मैं हूँ जो यहाँ भूख से मर रहा हूँ। अब मैं सफर करके वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिता, मैंने स्वर्ग के और तेरे खिलाफ पाप किया है। मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने यहाँ मजदूर की तरह रख ले। इसलिए वह उठा और अपने पिता के पास गया। अभी वह काफी दूर ही था कि पिता की नजर उस पर पड़ी और वह तड़प उठा। वह दौड़ा दौड़ा गया और बेटे को गले लगा लिया और बहुत प्यार से उसे चूमने लगा। तब उस बेटे ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के और तेरे खिलाफ पाप किया है। मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मगर पिता ने अपने दासों से कहा, जल्दी जाओ और सबसे बढ़िया वस्त्र लाकर इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर काटो कि हम खाएं और खुशियां मनाएं, क्योंकि मेरा यह बेटा जो मर गया था अब जिंदा हो गया है। यह खो गया था और अब मिल गया है। फिर वे सब मिलकर खुशियां मनाने लगे। उस आदमी का दूसरा बड़ा बेटा खेत में था। खेत से लौटते वक्त जब वह घर के पास पहुंचा, तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक सेवक को अपने पास बुलाकर पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। सेवक ने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने एक मोटा ताजा बछड़ा कटवाया है, क्योंकि उसका बेटा उसे सही सलामत वापस मिल गया है। मगर बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया और उसने घर के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। उसने अपने पिता से कहा, मैं बरसों से तेरी गुलामी कर रहा हूँ और मैंने एक बार भी तेरा हुक्म नहीं टाला, फिर भी तूने मुझे कभी बकरी का एक बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ मौज कर सकूं। लेकिन जैसे ही तेरा यह बेटा वापस आया, जिसने तेरी जायदाद वेश्याओं पर उड़ा दी है, तूने इसके लिए मोटा ताजा बछड़ा कटवाया। तब पिता ने उससे कहा, हे मेरे बेटे, तू तो हमेशा से मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है। लेकिन आज का यह दिन खुशियों का दिन है। हमें मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई जो मर गया था अब जिंदा हो गया है। हमने इसे खो दिया था, लेकिन अब पा लिया है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम दोनों पुत्रों और पिता के विषय में समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर पहले उड़ाव पुत्र अपने पिता की ओर मुड़ा, जो उसने एक अच्छा कार्य किया, उसे लगा क्षमा मांगना ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मैं अपने पिता के घर में वापस जा सकता हूँ। वह उस भरपूरी और अमीरी को पहचान गया जो उसके पिता के घर में भरपूरी से थी। इस कहानी में बड़ा बेटा भी दूसरा अन्य उड़ाव है। जहाँ छोटा बेटा सार्वजनिक रूप से भाग गया, वही बड़ा बेटा निजी तौर पर भाग गया। हो सकता है कि वह शारीरिक रूप से अपने पिता के साथ रहा हो, लेकिन उसका दिल बहुत पहले ही पिता से भाग गया था। और पिता उन दोनों पुत्रों का मसीह रूप को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रेम के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जहाँ प्रेम है, वहाँ पर सब कुछ विद्यमान है। हमारे पिता के घर में बहुत सा भंडार है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने सब कुछ बनाया है। यदि हम सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं,
तो पश्चाताप करें और वापस आए, वो हमें माफ करने के लिए आज भी तैयार है। फिर जो उसका बड़ा भाई था, जिसका रवैया गलत था और उसे खुशी नहीं हुई कि उसका भाई लौट आया और बहाल हो गया है, वह क्रोधित हुआ और ईर्ष्या महसूस करता है। बड़े भाई के पास पिता का हृदय नहीं था। बड़ा भाई उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा तो है, लेकिन परमेश्वर की करुणा और प्रेम को पूरी तरह से समझने में विफल है, या बाहरी तौर पर वे परमेश्वर के लिए जीते प्रतीत होते हैं, लेकिन अंदर से वे उससे अलग हो जाते हैं और परमेश्वर के उद्देश्यों को बढ़ावा नहीं देते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि सभी उसके पास आए और नष्ट न हो, जैसा कि दोनों पुत्रों के पिता ने किया। बड़े बेटे को भी और छोटे बेटे को एक ही घर में प्रेम के साथ रखा। ऐसे हमारे प्रभु यीशु है जो सबसे प्रेम रखते हैं। उसकी महिमा युगान युग हो, आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन इस कहानी को देखकर जरूर आशीषित हुए होंगे। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, आमीन। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।